महात्मा गांधी 3 जून 1947 की उस निर्णायक बैठक में शामिल नहीं हुए थे जिसमें देश की किस्मत का फैसला हुआ। क्यों? क्योंकि वो लगातार ये कहते रहे कि वो कांग्रेस के 54 के भी सदस्य नहीं है। माउंटबेटन के साथ इस बैठक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता शामिल थे और दिलचस्प बात यह है कि वो एक दिन पहले 2 जून को माउंटबेटन से मिले थे। माउंटबेटन ने उन्हें उन फैसलों की जानकारी दी जिन्हें अगले दिन की बैठक में लिया जाना था। महात्मा गांधी उस दिन भी कुछ नहीं बोले क्योंकि वो उनके मौन का दिन था। 4 जून को एक बार फिर माउंटबेटन से गांधी की भेंट हुई। माउंटबेटन ने उनसे कहा कि सब कुछ आपके कहे के मुताबिक हो रहा है। गांधी ने सवाल किया कि मैंने कब चाहा कि विभाजन हो। माउंटबेटन ने उन्हें निरुत्तर किया कि आपने ही तो कहा था कि सब हिंदुस्तानियों पर छोड़ दीजिए। गांधी की प्रार्थना सभा का वक्त हो चुका था। माउंटबेटन को फिक्र ये थी कि गांधी विभाजन के खिलाफ बोल सकते हैं। सभा में मौजूद लोग भी यही उम्मीद लगाए थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी ने कहा, खुद को टटोलिए, ऐसा क्यों हो रहा है। विभाजन रोकने की महात्मा गांधी की कोशिशों और नाकामी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इतिहास में रुचि रखने वाले लोग आज भी इन सवालों के जवाब की तलाश में रहते हैं। आज देश की किस्मत के उस निर्णायक मोड़ पर गांधी जी की भूमिका के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवीनेट डिजिटल। कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता महात्मा गांधी 1934 में ही छोड़ चुके थे। बात दीगर है कि उसके बाद भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी राय निर्णायक होती थी। यहां तक कि आजादी के साल भर पहले 1946 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्हीं की बदौलत हासिल हो सका था। माउंटबेटन चाहते थे कि 3 जून को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ उनकी बैठक में महात्मा गांधी भी शामिल हो। इसकी जाहिर वजह यही थी कि सत्ता हस्तांतरण के निर्णायक मोड़ पर माउंटबेटन ऐसा कुछ नहीं होना देने चाहते थे जो उनकी प्रस्तावित योजना को चौपट कर दे। वो महात्मा गांधी को लेकर फिक्रमंद थे। उनकी कोशिश राष्ट्रपिता को भरोसे में लेने या फिर कम से कम उन्हें खामोश रहने के लिए राजी करने की थी। 3 जून की बैठक में हिस्सेदारी से महात्मा गांधी के इनकार के बाद भी माउंटबेटन इसी दिशा में सक्रिय रहे और माउंटबेटन कामयाब भी रहे। भले गांधी अगले दिन की बैठक में नहीं शामिल हुए लेकिन एक दिन पहले 2 जून 1947 को वो माउंटबेटन से अकेले मिले। ये सोमवार का दिन था और महात्मा गांधी के मौन का दिन। माउंटबेटन ने उन्हें विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की पूरी योजना की जानकारी दी। महात्मा गांधी ने जेब से पुराने लिफाफे निकाले और उनके सादे हिस्से पर लिखना शुरू किया, मुझे खेद है मैं बोल नहीं सकता। सोमवार का व्रत दो हालत में भंग करने की मैंने गुंजाइश रखी थी। किसी उच्च पदाधिकारी में किसी समस्या के बारे में बात करनी हो या फिर किसी बीमार की देखभाल करनी हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं अपना मौन भंग करूं। मुझे दो एक बातों के बारे में कुछ कहना है लेकिन आज नहीं। हम दोनों की फिर भेंट हुई तो कहूंगा। इस मौके पर महात्मा गांधी ने जो कुछ लिखा वो चौंकाने वाला है। उन्होंने खुद ही साफ किया कि किन परिस्थितियों में वो अपना मौन भंग कर सकते हैं। वो भारत में ब्रिटिश सत्ता के सर्वोच्च प्रतिनिधि से मुखातिब थे। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन का असाधारण महत्व का सवाल था लेकिन आश्चर्यजनक ये था कि गांधी जी इसलिए नहीं बोले क्योंकि माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि वो अपना मौन भंग करे। 3 जून की बैठक की शुरुआत में माउंटबेटन ने सचेत किया कि अगर अतीत भुलाया जा सके तो बेहतर भविष्य के निर्माण की शुरुआत मुमकिन है। आरोप प्रत्यारोप की हालत में हिंसा की आशंका से बचने के लिए उन्होंने निचले स्तर के नेताओं पर अंकुश की जरूरत भी बताई थी। हालांकि गांधी जी बैठक में मौजूद नहीं थे लेकिन फिर भी वो मुस्लिम लीग के निशाने पर थे। इस मौके पर लियाकत अली खान ने गांधी की शिकायत करते हुए ये कहा था कि निचले नेताओं को तो रोका जा सकता है लेकिन जो सबसे बड़े हैं जैसे महात्मा गांधी, वो बात तो अहिंसा की करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना सभाओं के भाषण हिंसा को उकसाने वाले हैं। जिन्ना की भी यही शिकायत थी। कृपलानी ने उसका तुरंत प्रतिवाद किया, जोर दिया कि महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा पर ही बल देते हैं। ये भी याद दिला दिया कि महात्मा गांधी और कांग्रेस हमेशा से संयुक्त भारत के हिमायती रहे हैं। प्रार्थना सभाओं में गांधी द्वारा विभाजन को गलत बताने और इसे स्वीकार ना करने की बात कहे जाने से माउंटबेटन भी चिंतित थे। लेकिन एक दिन पहले गांधी से हुई उनकी मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने इस विवाद को ये कहते हुए टालने की कोशिश की कि जो व्यक्ति हमेशा भारत की एकता के लिए जिया, काम किया और कामना की, उसके मनोभावों को मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी प्रार्थना सभाओं में उनके भाषणों की, उनसे चर्चा की और उनका मौन दिवस था। बोलना संभव नहीं था लेकिन उन्होंने लिखकर एक मैत्रीपूर्ण नोट दिया। उम्मीद की जाती है कि वो परिस्थितियों को समझते हुए सहयोग करेंगे। जिन्ना को गांधी के रुख को लेकर फिक्र थी।
उन्होंने कहा कि अगर गांधी इस लाइन पर आगे बढ़े तो ये संदेश जाएगा कि जनता वो निर्णय ना माने जो इस बैठक में लिया जाए। जिन्ना के मुताबिक वो ये नहीं मानते थे कि गांधी के इरादे खराब हैं, लेकिन इन दिनों उनकी भाषा ऐसी भावनाओं को बढ़ा रही है कि मुस्लिम लीग ताकत के जोर पर पाकिस्तान हासिल करने जा रही है, जबकि खुद उन्होंने गांधी की सार्वजनिक रूप में आलोचना से परहेज किया है। लियाकत अली खान ने एक बार फिर दोहराया कि हाल ही में गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसका मतलब निकलता है कि जनता वॉयसराय और नेताओं के फैसले की ओर ध्यान ही ना दे, इसके स्थान पर वो जो सही समझे उसे करें। ऐसे बयानों का मतलब यही निकलता है कि जनता अगर चाहती है कि विभाजन ना हो तो वो अपने मुताबिक आगे बढ़े। इस मौके पर सरदार पटेल का कथन विभाजन को लेकर गांधी के रुख को समझने में थोड़ा मददगार साबित हो सकता है। बैठक में पटेल ने भरोसा जाहिर किया था कि एक बार जब निर्णय ले लिया जाएगा तो महात्मा गांधी उसे स्वीकार कर लेंगे। यानी पटेल का कथन तो यही संकेत देता है कि सत्ता में हस्तांतरण की बैठक में शामिल कांग्रेस नेताओं ने विभाजन के प्रश्न पर गांधी की सहमति हासिल नहीं की थी। उन्होंने ये मान लिया था कि निर्णय हो जाने पर ही गांधी जी से मान लेंगे। 4 जून को माउंटबेटन और गांधी फिर साथ आए। खबर थी कि प्रार्थना सभा में गांधी विभाजन की मुखालफत कर सकते हैं। सतर्क माउंटबेटन ने उनसे कहा, इसे माउंटबेटन योजना गलत कहा जा रहा है, इसे तो गांधी योजना कहा जाना चाहिए। गांधी की सवालिया निगाहों की ओर देखते माउंटबेटन ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि फैसला हिंदुस्तानियों पर छोड़ दीजिए, हर प्रांत की जनता वोट देकर तय करेगी कि किसके साथ रहना है, ये आपकी ही कही बात तो है, पर मैं विभाजन कब चाहता था, गांधी ने फिर से यही सवाल किया। माउंटबेटन का जवाब था, अगर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि विधानसभाएं एकता के पक्ष में वोट दे दें तो विभाजन रुक जाएगा। और फिर माउंटबेटन के अगले वाक्य ने गांधी के लिए कुछ कहने को बाकी ही नहीं रखा, अगर इसके लिए वो सहमत नहीं है तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि हथियार के जोर पर हम उनके निर्णय का विरोध करें। उन दिनों गांधी दोहराते थे, भले सारे देश में आग भड़क उठे, हम एक इंच भूमि पर भी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा विभाजन की मंजूरी देने के बाद गांधी गहरी वेदना में थे। उन्हें लगातार महसूस हो रहा था कि कांग्रेस के नेता उनसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसी एक सुबह एक कार्यकर्ता ने उनसे कहा, फैसले की इस घड़ी में आपका कहीं जिक्र ही नहीं है। उनका जवाब था, मेरे चित्र को हार पहनाने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, लेकिन सलाह मानने को कोई तैयार नहीं है। दिल्ली की हरिजन बस्ती में निवास कर रहे गांधी को बगल की चटाई पर लेटी मनु ने एक रात अपने में ही बुदबुदाते सुना, आज मेरे साथ कोई नहीं है, पटेल और नेहरू तक समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है, और अगर बंटवारे की बात पर समझौता हो जाए तो शांति रहेगी। ये लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ मेरी समझ बूझ भी कम होती जा रही है। हाँ, शायद सब लोग ठीक ही कहते हो और मैं ही अंधेरे में भटक रहा हूं। क्या उस वक्त तक गांधी ने पराजय स्वीकार कर ली थी? माउंटबेटन के साथ अपनी बैठक में भले ही उन्होंने विभाजन के प्रति असहमति जाहिर की हो, लेकिन उसी 4 जून की शाम प्रार्थना सभा में वो जो कुछ बोले उसने विभाजन का विरोध करने वालों को निराश कर दिया। कितनी ही बार उन्होंने कहा था कि देश के 2 टुकड़े होने के पहले उनके 2 टुकड़े होंगे, लेकिन उस शाम स्तब्ध करने वाली खामोशी के बीच लोगों ने गांधी को कहते सुना, वॉयसराय को दोष देने से कोई फायदा नहीं, अपने आप को देखिए, मन को टटोलिए, तब पता लगेगा जो हुआ है उसका कारण क्या है। विभाजन का फैसला हो चुका था। 3 जून की निर्णायक बैठक में महात्मा गांधी कांग्रेस का पदाधिकारी ना होने का हवाला देकर शामिल नहीं हुए, लेकिन 14 और 15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उस विशेष बैठक में वो शामिल थे जिसमें कांग्रेस ने विभाजन की योजना को मंजूरी दी थी। विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस बैठक में मौजूद थे। अपनी किताब भारत विभाजन के गुनाहगार में उन्होंने इस बैठक की कार्यवाही का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। डॉक्टर लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने हल्की शिकायत की मुद्रा में कहा, नेहरू और सरदार पटेल ने उसकी सूचना उन्हें नहीं दी। गांधी अपनी पूरी बात कह पाते इसके पहले आवेश में पंडित नेहरू ने प्रतिवाद किया कि वो उनको बराबर पूरी जानकारी देते रहे हैं। महात्मा गांधी के फिर दोहराने पर कि उन्होंने विभाजन की योजना की जानकारी नहीं थी, पंडित नेहरू ने अपनी पहली कही बात को थोड़ा बदल दिया। कहा, नोआखाली इतनी दूर है कि वो इस योजना के बारे में विस्तार से बता ही नहीं पाए होंगे। विभाजन के बारे में मोटे तौर पर उनको, यानी कि महात्मा गांधी को, उन्होंने ये लिखा था कि इस बैठक में नेहरू और सरदार पटेल महात्मा गांधी के प्रति आक्रामक रोष दिखाते रहे। विभाजन के प्रबल विरोधी महात्मा गांधी का निर्णय की घड़ी आने तक विरोध सांकेतिक नजर आता है। बेशक उन्होंने विभाजन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र बीच अलग राह पकड़ते खास अनुयायियों ने क्या उन्हें निराश कर दिया था। वो अकेले ही किसी आंदोलन और संघर्ष के लिए पर्याप्त थे, लेकिन इस मोड़ पर पहुंचने तक उनका क्या खुद में ही विश्वास डोल चुका था?
मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर से मुलाकात में माउंटबेटन ने यह कहा था कि हिंदुस्तान आने के बाद से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को लगातार अपने नजदीक लाने की कोशिश की, ताकि अगर टकराव की नौबत किसी वजह से आए तो उनकी मदद से गांधी को मैं भी असर कर दूं। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा कि एक तरह वो सभी गांधी के खिलाफ थे और मेरे साथ थे। एक तरह से वो मुझे बढ़ावा दे रहे थे कि मैं उनकी ओर से गांधी का सामना करूं। माउंटबेटन का कहा अगर सच है तो यकीनन आजादी की घोषणा और विभाजन के मौके पर गांधी अकेले ही थे, तो क्या गांधी के शिष्यों ने ही उन्हें विभाजन के सवाल पर चुप रहने को मजबूर कर दिया? ये थी पूरी कहानी उस बैठक को लेकर। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।